और वो भी इस कपड़ों के समंदर में। आज हम लोग यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं। चलो, न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होती है, किड्स वियर की बात कर रहा हूँ, ओनली 14 रुपीज से। 14 रुपए। तो ये देखो, ये है ना ब्लाउज का पीस है, ये कितना मस्त है। सर, इसका प्राइस क्या है? जितने में आप इसका एक पीस खरीदेंगे ना सिला हुआ, हाँ। उतना में पूरा ये सेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। क्या बात कर रही हूँ, पूरा सेट? हाँ, पूरा सेट हो रहा है। अब तक का कितना बिल हुआ है? बाप रे, शॉपिंग करने के लिए। और हाँ यार, सूरत में ना साड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो हम साड़ी देखेंगे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लहंगे भी देखेंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। तो मम्मी पापा के है ना शादी के शॉपिंग में, मम्मी ने ना ज्यादा शॉपिंग नहीं की थी, बस दो ही साड़ियाँ ली थी, है ना मम्मी? हाँ। एक हल्दी की साड़ी और एक शादी की साड़ी, बिल्कुल ज्यादा शॉपिंग नहीं की थी। और फिर कृष्णा के नामकरण भी नानी के घर पर ही हुआ था, गाँव की तरफ। मेरा नामकरण भी नानी के घर ही हुआ था। तो एक ची बेबी का ही नामकरण है जो हम एकदम धूमधाम से मनाने वाले, धूमधाम से नामकरण करेंगे। लेकिन इसके नामकरण में हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, है ना मम्मी? कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, एकदम ग्रैंड, एकदम भारी नामकरण रखेंगे। पापा, आज शॉपिंग के लिए कोई रोक टोक नहीं है ना? आज शॉपिंग के लिए मेरे तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। yes. ऐसा समझना कि है ना, ये मम्मी की शादी की शॉपिंग जो हम सालों पहले रह गई थी, हाँ, वो उसकी कसर आज पूरी कर लो। जितना चाहिए उतनी शॉपिंग कर लो, बस हम बहुत बड़ा फंक्शन करने वाले चिकू बेबी का। बिल्कुल रोक टोक नहीं होगी पापा की तरफ से, कि मम्मी की शादी की जो शॉपिंग रह गई थी वो आज कर लेना मम्मी आप, ठीक है? हाँ। जितनी साड़ियाँ पसंद आती है ले लो आपको। हम सूरत तो आ गए, अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम शॉपिंग करें कहाँ से। यहाँ तो हजारों टेक्सटाइल मार्केट है। यहाँ तो देखो ना यार, साड़ियाँ ही साड़ियाँ है, बस जहाँ वहाँ देखो, हाँ सब जगह कपड़े ही कपड़े। चलो जल्दी से हम ऊपर चलते हैं। पापा, लेकिन हम कहाँ शॉपिंग कर रहे हैं? अरे ये शॉप है ना हमारे वहाँ पे औरंगाबाद में, तो है ना हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मुझे दिखाना नीचे मेरा फैशन, तो यही से सब उधर कपड़े मिलते, तो हम डायरेक्टली यहीं पे देखेंगे ना। हाँ ठीक है, चलेगा, हम यहीं से शॉपिंग कर लेंगे फिर। और अजमेरा फैशन जो है, मैंने रिव्यूज भी देखे, बहुत अच्छा है, यहाँ पे कपड़े भी बहुत अच्छे है, तो हम है ना अंदर चल के देखते हैं। चलो अंकल, रिसेप्शन कहाँ पे? रिसेप्शन सामने है, वेलकम टू अजमेरा लिखा हुआ। क्या बोल रहे हो? पर यहाँ हमको वैसा जितना चाहिए वैसा मिलेगा क्या? यहाँ पे तो पूरा लॉट का लॉट ही दिख रहा। मतलब पापा का बुक आने का मतलब यहाँ पे सिंगल सिंगल कपड़े, मतलब रिटेल रिटेल मिलेगा क्या अपने? वो अपन देखेंगे ना, एक बार पूछ के देखते हैं रिसेप्शन पे। हेलो, नमस्ते, यहाँ पे रिटेल क्लोथ्स मिलेंगे? नहीं मैम, रिटेल तो नहीं मिलते हमारे यहाँ पे, जो भी लेंगे बंडल टू बंडल होलसेल मिलेंगे। बंडल टू बंडल मिलेंगे आप? तो सर से एक बार मिल सकते हैं क्या? हाँ सर, सर मिल सकते हैं, मैं आपको सर से मिलवा देती हूँ। यार यहाँ पर रिटेल क्लोथ्स नहीं मिलेंगे, बंडल टू बंडल मिलेगा, आप कैसे? अपन उनसे बात करके देखते एक बार सर से उनके, और फिर वो हिसाब से फिर देखेंगे ना। अभी जैसे कि हमको कितने कितने साड़ियाँ लेने के? 30-40 साड़ियाँ तो लेनी है, तो बोलेंगे फिर 30-40 मिलेंगे ना अपने को। हाँ। पर अलग अलग डिजाइन की चाहिए, अलग अलग डिजाइन की चाहिए, ऐसे एक डिजाइन की नहीं चाहिए। और एक बार बात करेंगे, अगर समझो बोलते कि भाई मिल सकता है तो फिर ले लेंगे। हाँ। तो अजमेरा फैशन के जो ओनर है उनसे एक बार हम बात करके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अरे मैं भी बिंदास काव्या हूँ, मैं बात करूँ एंड मुझे रिटेल शॉपिंग की परमिशन ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने भी कहा रिसेप्शन पे, एक बार सर को बताओ कि कोई बिंदास कावे शॉपिंग करने आई है, और फिर देखो क्या हुआ। कौन आया अभी अभी? हाँ हाँ सर, कोई आए हैं, वो साड़ी लेना चाहते हैं घर के लिए। हाँ। अभी हमने रिसेप्शन पे पूछा तो उन्होंने बोला कि रिटेल हम नहीं देते हैं मैम, लेकिन जब मेरे पास फोन आया वहाँ से, बोले कोई सेलिब्रिटी हैं, बोले उनका म्यूजिक चैनल वगैरह भी है और म्यूजिक भी करते हैं, बिंदास काव्या नाम बताया, तो मैं बिंदास काव्या सर्च किया तो अभी मैं आप ही का गाना देख रहा था। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत ही जोरदार गाना है। हाँ, हाँ। मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये, काश तू मेरी हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। बोला भाई बड़ी सेलिब्रिटी आई है हमारे यहाँ तक, तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत बहुत सबसे पहले तो अच्छा लग रहा है मुझे। 5 दिन पहले आपने वीडियो डाला है ये?
और 1 मिलियन व्यूज इसके हो गए हैं। बाप रे बाप, मुझे तो बड़ा तो मेरे को तुरंत एक चीज दिमाग में आई कि मैंने कहा ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े सेलिब्रिटी के थ्रू अगर हम कोई बात अपना मैसेज पहुंचाते हैं कहीं लोगों तक। 1.3 मिलियन, 988K, 1 मिलियन, वाओ बहुत सारे व्यूज हैं आपके तो, बहुत सब्सक्राइबर कितने हैं आपके? 12 मिलियन। वाओ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा प्राउड का एक ये सब्जेक्ट है। सेलिब्रिटी हैं आप लोग तो, पापा की भी एक्टिंग बड़ी जोरदार थी उसके अंदर, गाने के अंदर मैंने देखा वो लड़का आके टकराता है पापा से, पापा तो मोबाइल में लगे हुए हैं बड़े, तो स्कूल में अंदर तक छोड़ के आइएगा, ध्यान रखिएगा। विडम्बना ये है सूरत की कि यहाँ छोटा कोई रिटेलर आता है ना तो उसको कपड़ा नहीं दिया जाता है। 25,000, 50,000 या लाख रुपए लगा के व्यापार करना है या घर से ही करना है तो उन लोगों को कपड़ा यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो मैंने अजमेरा फैशन 2011 में इसीलिए शुरू किया था कि मैं चाहे कोई छोटा आ जाए, चाहे कोई बड़ा आ जाए, चाहे रिटेलर आए या होलसेलर आए या डीलर आए, एक ही प्राइस के अंदर कपड़ा दूंगा। अगर नया बिजनेस किसी को स्टार्ट करना है तो भी। तो जब मैंने ये चैनल देखा तो मेरे मन में एक खुशी मन के अंदर आई कि मैम को मना तो नहीं करेंगे अपन साड़ी के लिए कपड़ा देंगे आपको, लेकिन आपको हमारे काम करना पड़ेगा कि हम मैसेज जो पहुंच आप ब्लॉग डालेंगे तो हमारा मैसेज भी आप ये कट नहीं करेंगे जो हम बात कर रहे हैं। और फिर हमें सर ने बताई एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बाद में सुनाती हूँ, अभी पहले जाके शॉपिंग शुरू करते हैं। तो सर खुद चल रहे हैं हमें पूरा शॉप दिखाने के लिए और दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसी साड़ी आए, कैसे लेंगे। चलिए सर, तो गर्ल्स रेडी हो आप सब लोग, अभी शॉपिंग स्टार्ट करते हैं और देखना कितने मस्त मस्त कपड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है? बाप रे देखो यहाँ पे तो साड़ियाँ ही साड़ियाँ है। तेरे मम्मी को तेरे को तो 2-4 दिन कम पड़ जाएंगे। और ये पिंक वाला लहंगा भी देखो कितना मस्त है, मेरे को तो सभी लेके जाने का मन कर रहा है। ये पर्पल वाला भी, ये दीपिका पादुकोण की शादी वाला लहंगा ऐसे सेम था सच में। हाँ ये बहुत हैवी भी है लहंगा। क्या हो गया सर आपको? मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आप कैसे खुश हो रहे हैं देख के। हाँ कितने मस्त मस्त लहंगे, ये पर्पल वाला भी एक अच्छा लहंगा है देखो, बहुत सुंदर लहंगे यार, मैं ट्राई भी करूंगी एक दो लहंगे। ये देखो ये वाला भी एक अच्छा लहंगा है। ये देखो इधर की साइड जो है ना ये ब्राइडल लहंगा है अभी है ना, मैं एक काम करो इसकी प्राइस पूछो एक बार, देखते ये कितने के होंगे। इतने हैवी और इतने मस्त मस्त लहंगे है ना यार, मैं क्या बताऊँ आप सबको। पापा प्राइस पूछे सर, इसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस हम लोग नहीं बताते हैं बेटा, यही जो लहंगा आप यहाँ पे आप देख रहे हो यही लहंगा 5 गुना 6 गुना होके जाके बिकता है। अच्छा, अगर इसका एक्चुअल प्राइस यहाँ का प्राइस हम बता देंगे वीडियो के अंदर। अच्छा। आपको बताएंगे अभी चुपचाप से, जब कैमरा नहीं चलेगा तब बताया जाएगा आपको प्राइस सब सारा। लेकिन बिजनेस करने के लिए अगर किसी को चाहिए तो मैं एक नंबर आपको दूंगा, आप प्लीज डाल देंगे नंबर उसमें नीचे वीडियो में। चलेगा चलेगा चलेगा, डाल देंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा नंबर, देख। हाँ नंबर पे आप कॉल करेंगे ना तो आपको एक एक प्रोडक्ट का जिसको बिजनेस करना है एक एक प्रोडक्ट का प्राइस बता दिया जाएगा। हाँ। फोन कीजिएगा आप उस नंबर पे, व्हाट्सएप पे आपको उसकी इमेजेस भेजी जाएगी, सारी चीज आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे अगर बिजनेस करना है आपको तो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी खाली लहंगा देखा आपने, बहुत सारा अभी सेक्शन है आगे। अच्छा। अलग 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 सेक्शन बने हुए हैं, एक बार मैं नजर करवा देता हूँ आपको। चलो फिर आप परचेजिंग करते रहना। जी जी, हमने उधर की साइड लहंगा देख लिया, अभी इधर की साइड चल के देखते। बाप रे यहाँ पे जहाँ नजर डालो वहाँ साड़ियाँ ही साड़ियाँ है। ये सूती साड़ी बिकती है ना अपने यहाँ, कॉटन साड़ी जिसको बोलते हैं, कॉटन साड़ी है। ये कॉटन साड़ी का डिपार्टमेंट है और ये वर्क साड़ी का डिपार्टमेंट है। एम्ब्रॉयडरी साड़ी जो आती है, पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में खूब चलती है, पैठनी वो भी मिलती है। बनारसी सिल्क साड़ी भी आपको मिल जाएगी आपको यहाँ पे, काठपादर साड़ी, कांजीवरम साड़ी, पत्तू साड़ी, सब साड़ी यहाँ पे मिलती है। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए कि अगर हम है ना यहाँ से अजमेरा फैशन से 1 लाख का
सामान होता है, साड़ियाँ वगैरह लेते हैं, और वही हम दूसरी सिटी से या फिर दूसरी इससे साड़ियाँ लेते हैं, तो वो कितने में होगा माल जी? तो कम से कम 25-30% आपको देना पड़ेगा, होलसेल में लेते हैं। और अगर आप सिंगल सिंगल पीस खरीदना चाहते हैं वो सब, तो ये समझिए जस्ट डबल तो आपको कम से कम देना ही पड़ेगा, जस्ट डबल। यहाँ लाख रुपए का माल का सामान, यहाँ 1 लाख के कपड़े लिए तो बाहर 2 लाख के, 2 लाख रुपए के आपको मिलेंगे वही कपड़े। तो यहाँ से अगर हम 1 लाख की शॉपिंग करेंगे और वही शॉपिंग अगर हम बाहर से करते तो वो 2 लाख के हो जाएंगे, है ना? मिनिमम मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो आप लहंगा अगर मेरे यहाँ से 25,000 वाला एक लहंगा आप लेते हैं ना, वही लहंगा अच्छे शोरूम में अगर आप जाते हैं किसी बढ़िया शोरूम के अंदर, तो वो 1.25 लाख रुपए का, लाख रुपए का खाली एक लहंगा मिलता है। मतलब इधर का जो 10-12 हज़ार का है वो बाहर 30-1 हज़ार में मिलेगा, और कम से कम तो लेके देते भाई 2-3 इसको दो। तो हम राइट जगह आ गए, हम बिल्कुल सही जगह आए। वैसे देखो ये साड़ी कितनी मस्त है ना, ये पैठनी साड़ी जिसको बोलते हैं ना। ये देखो इधर की साइड जो है ये प्रिंटेड साड़ी का काउंटर है, देख रहे हो? ओह माय गॉड, जितनी भी लेडीज देख रहे हैं या फिर गर्ल्स देख रहे हैं, आपको अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो कितना मजा आएगा ना आप सबको भी। यकीन मानो यहाँ 100 रुपए से साड़ियाँ स्टार्ट होती है, और यहाँ की 100 रुपए की साड़ी मीन्स बाहर किसी रिटेल शॉप में 500 की साड़ी, समझे? बहुत सारी साड़ी है, ये तो एक दो देख रही हो आप, हाँ। अभी आराम से आपको दिखाएंगे। तो अभी हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं, इधर के साइड है कौन सा डिपार्टमेंट है यहाँ पे? ये कुर्ती का डिपार्टमेंट है, और मैंने देखा कुर्ती का पूरा समंदर। यहाँ पे हर रंग की कुर्ती है, देखो में एक ही डिजाइन है वो पूरी। हाँ, पर कलर कितने सारे देख रहे हो यहाँ पे। तो ये जो है ये दुपट्टे का काउंटर, ओनली दुपट्टा, बहुत अच्छा बिकता है दुपट्टा भी, मतलब यहाँ पे सिर्फ दुपट्टे ही दुपट्टे हर जगह। स्कार्फ भी बोलते हैं, दुपट्टा भी बोलते हैं, ये वाले भी मस्त है देखो दुपट्टे। बाहर मार्केट में अगर आप 2 दुपट्टे लोगे उतने में यहाँ आपको 10 दुपट्टे का सेट आ जाएगा। आ जाओ इधर ब्लाउज के काउंटर पे, ये टॉप्स का काउंटर है, देखो आपने जैसे टॉप्स पहन रखे है ना, उस तरीके के टॉप्स यहाँ पे मिलने वाले है। मेरा तो मन कर रहा है सारा घर लेके जाऊँ। इसमें भी बहुत सारी रेंज है, जब आपको लेना है ना तब उस समय दिखाएंगे। मैं एक बार खाली व्यूअर्स के लिए बता दे रहा हूँ, ये मैम के लिए है सिर्फ सिंगल सिंगल पीस अवेलेबल, बिजनेस करने के लिए ही हम लोग देते हैं, लेकिन मैम हमारी बात आप लोगों तक पहुंचा रही है, इसके लिए हमने इनके लिए एक सुविधा कर दी है स्पेशल। थैंक यू सर, वेलकम। वाओ, इधर की साइड देखो, ये सारा किड्स वेयर का सेक्शन है यहाँ पे, देखो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं 0 ईयर्स वहाँ से लेकर के आपको 15-16 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े यहाँ पे मिल जाएंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। न्यू बॉर्न बेबी का यहाँ पे जो रेंज स्टार्ट होती है, किड्स वेयर की बात कर रहा हूँ, Only 14 रुपीज से। कितना? 14 रुपए। 14 रुपीज से स्टार्ट। 14 14 रुपए से only। बाप रे। सोचिए वो कितने में बिकता होगा आगे जा करके, आप सोच सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी का। तो ये रेंज, ये आप इतना आश्चर्य आपको इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उस समंदर में खड़े हैं जहाँ कपड़ा बनता है। ये है बॉटम्स का डिपार्टमेंट, ये देखो इधर की साइड है, ये बॉटम्स का डिपार्टमेंट, इसमें लेगिंग्स, पैंट, जेगिंग्स। बाहर आपको एक लेगिंग्स के पैसों में यहाँ 3-3 लेगिंग्स मिल जाएगी। ये कर्टन वाला है, ये कर्टन्स का डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, आप देख रहे हैं ये मेन गेट के लिए कर्टन मिलेंगे। मींस कर्टन में भी सेम है, रिटेल मार्केट में एक कर्टन की प्राइस में यहाँ आपको 3 कर्टन मिल जाएंगे, सिर्फ बंडल में लेना है, दैट्स इट। साड़ी के साथ पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, ये सब यहाँ पे मिलता है। अब आपके लिए बात करता हूँ, अगर आप साड़ी ले जाके बेचने का प्रयास करते हैं घर से, तो उसके साथ आप ये मैचिंग भी रख सकते हैं ब्लाउज की, तो उससे क्या है बिजनेस सेल आपकी बढ़ जाती है। गाउन का देखना हमको भी। हाँ, हाँ। तो ये देखो, ये है ना ब्लाउज का पीस है, ये कितना मस्त है सर, इसका प्राइस क्या है? ऐसे तो प्राइस नहीं बताता हूँ, लेकिन जितने में आप इसका एक पीस खरीदेंगे ना सिला हुआ, हाँ। उतना में पूरा ये सेट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो, पूरा सेट? पूरा सेट। वाह,
बाप रे, मतलब बाहर जितना ये एक सिल के मिलेगा ना जितने रुपए का, उतने में ये पूरा 10 का 10 पीस मिल रहा है यहाँ पे। चलो ये तो हो गया, अभी हम दूसरा देखते हैं। ये पेटीकोट कितने का होगा? 1 पीस? जितने में आपको वहाँ एक मिलता है ना, उतने में यहाँ 10 मिल जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, सिलाया पेटीकोट इतने ज्यादा रेट रिटेल के होते हैं। बाप रे, मतलब अगर बाहर हम ये एक लेंगे तो यहाँ पे ये 10 मिलेंगे जी। थैंक यू, मैं बच्चे को भेजता हूँ, आपके साथ रहेगा, आपको जो भी चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते। अरे रुको, अभी कहाँ वीडियो खत्म हुआ है, अभी तो वीडियो स्टार्ट हुआ है। अब देखो अब कितनी शॉपिंग करते हैं हम, मेरे को तो बहुत मजा आएगा शॉपिंग करने में। लेट्स गो, कहाँ से स्टार्ट करें शॉपिंग करना? हाँ, लहंगे से स्टार्ट करते हैं शॉपिंग करना। चलो, वाला भी कितना अच्छा गाउन है, मैंने एक दो ट्राई भी करके देखते हैं। ये देखो, और इधर की साइड है ना, प्रॉपर हैंड वर्क वाली साड़ी है ये पिंक वाली। ये मतलब ये जो डिजाइन वगैरह है ये प्रॉपर हैंड वर्क है। वाओ, ये देखो, ये ट्रेंडिंग साड़ी है जिम्मी चू। जिम्मी चू, हाँ ये वाली ट्रेंडिंग साड़ी चल रही है। देखो ये भी हैंड वर्क वाली साड़ी है पूरी। अब मुझे सर ने कही हुई बात समझ आई, मीन्स यहाँ से 25-50 हजार के कपड़े उठाओ और बाहर मार्केट में इसका 3 टाइम पैसा बनेगा ही बनेगा। 25-50 हजार रुपए लगा करके अगर आपको जिंदगी बदलने वाला बिजनेस करने को कहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ ये मौका चुकना नहीं चाहिए। ये देखो, ये एकदम ट्रेंडिंग साड़ी है जिम्मी चू। आप ये जिम्मी चू साड़ी मार्केट में खरीदने जाओ, आपको 3 हजार से कम में नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ 1000 रुपए से स्टार्ट होती है। तो मम्मी और मैं ये ढेर सारी साड़ियाँ खरीदने वाले हैं और हम हमारी खुद के शॉप में इसे सेल करेंगे। ये देखो, ये ना रेडी टू वेयर साड़ी है, रेडीमेड साड़ी है। ये एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसी लगती है। ये देखो, ये ऐसे रेडीमेड साड़ी है, एक मैं ट्राई करते कलर बहुत प्यारा है इसका। हाँ, ये कलर बहुत अच्छा है इसका। तो बताओ आपको ये गाउन कैसे लगा, कितना अच्छा है ना, और इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम प्रीटी प्रीटी है। बाप रे, यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे लहंगे और बहुत हैवी हैवी लहंगे। अभी मैं ना लहंगा ट्राई करती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ब्राइडल लहंगा ट्राई करूँ, एकदम मस्त और रेड कलर का होता है ना। ये इधर की साइड भी है ब्राइडल लहंगा, देखो। तो अभी मैं ना आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे कैसे लहंगे। ये पर्पल वाला लहंगा देखो कितना अच्छा है। क्या लगता है आपको ये लहंगे कितने के होंगे? ऑलमोस्ट 40-50 thousand के। बट यहाँ इसकी प्राइस उतनी ही है जितना आप ब्राइडल लहंगे का रेंट देते हो अपने सिटी में। जरा सोचो, यहाँ से बाय करके अपने सिटी में सेल करे या फिर रेंटल बिजनेस शुरू करे तो एक रेंट में इसका प्राइस निकल जाएगा, दूसरे रेंट में प्राइस से डबल पैसे निकल जाएंगे, और फिर जितने में लिया उतने में सेल कर दिया। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है पार्लर बिजनेस वालों के लिए। ये बच्चों को क्या किया जाता है, बचपन से ही उनके दिमाग में एक चीज, अच्छे मार्क्स लाओ, फर्स्ट क्लास में पास हो, एक अच्छी नौकरी करो, फिर भगवान की दया से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट। वो नहीं करना है अपने को, नौकरी वाली मानसिकता नहीं रखनी है। नौकरी करना बुरी बात नहीं है, मैंने भी करी है 20 साल, लेकिन नौकरी की मानसिकता से नहीं कीजिए। और फिर मैं कहता हूँ, नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है, नौकरी से आपकी सब्जी बदलेगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडे की, परसों तुरई की, लेकिन जिंदगी अगर बदलनी है आपको तो बिजनेस की ओर जाना पड़ेगा। ये वाला मैं वेयर कर सकती हूँ, इसका कलर भी बहुत मस्त है और ये बहुत प्रीटी लग रहा है। क्या बोलते हो, ये वाला लहंगा पहनो? और ये ब्राइडल लहंगा देखो ना कितना हैवी है। ये देखो, आपको समझ में आ रहा होगा ना ये कितना हैवी होगा। आप रे, तो अभी मैंने एक लहंगा ट्राई करके देखती हूँ। और यार पता है मुझे ना, मन में ऐसे लग रहा है कि मैं ना यहाँ से 1-2 लहंगा ले लूँ। क्या बोलते हो, एक बार ट्राई करके देखते हैं फिर सोचते हैं।
लहंगा मैं क्या बताऊँ आप सबको, लेकिन अच्छा लग रहा है ये लहंगा मुझ पे। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये पूरा ब्राइडल लहंगा कितने का होगा? इमेजिन कर सकते हो? क्या लगता है आपको, कमेंट्स में बताओ मुझे कितने का होगा। तो ये जो ब्राइडल लहंगा है ना, ये अंडर 13,000 है। आपको क्या लगता है बताओ, कैसा लग रहा है ये लहंगा? अब मैं टर्न कर रही थी ना, तो ये लहंगा नीचे से टक गया। दुल्हन के लिए ये लहंगा बहुत बेस्ट है। आप है ना अजमेरा फैशन में आके देख सकते हो, यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे लहंगे। देखो इसको क्या बोलते हैं, लटकन। लटकन ये भी बहुत मस्त है, ये इसी के साथ आता है लहंगे के साथ। यहाँ पे लहंगा तो आपने देख लिया, चलो अभी हम है ना वहाँ चल के साड़ियाँ देखते हैं। तो साड़ी देखने से पहले ना अभी हम लोग गाउन देख रहे हो। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गाउन है ना, ये देखो, ये तो एकदम प्रिंसेस जैसे गाउन लग रहा है। ये देखो है ना ब्लू कलर में, वाओ ये ब्लैक कलर वाला भी कितना सही गाउन है। तो मम्मी मुझे जो गाउन पसंद आएगा ना, वो गाउन मैं लेने वाली हूँ। हाँ पक्का लेना। हाँ वाओ ये पिंक वाला गाउन भी बहुत अच्छा है। जिम्मी चू ये देखो, ये जिम्मी चू वाला गाउन है जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। हाँ ये येलो कलर का गाउन है, ये बहुत मस्त है। मैं अपनी सिटी में जितने मैं गाउन बाय करती हूँ हर फंक्शन में, उतने में यहाँ 3 गाउन आ जाएंगे। अब सिर्फ सोचो, सिर्फ गाउन का बिजनेस किया जाए तो डबल पैसे कमा सकते हैं। मम्मी ने और मैंने बिजनेस का भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे सारे गाउन बहुत अच्छे है, तो और कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। ये लहंगा टाइप में अच्छा है, ये देखो इसका ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। ये देखो मम्मी यहाँ पे साड़ियाँ देख रही है, ये येलो वाली देखो कितनी मस्त साड़ी है। आप सबको पता है अभी तक है ना 15,000 की शॉपिंग हो गई है। अभी तो और शॉपिंग करनी बाकी है, मैं बताती हूँ आपको कितने कितने की शॉपिंग हो रही है। इसमें और भी बहुत सारे कलर्स है, देख रहे हो, और ये पिंक वाली भी अच्छी है साड़ी। यहाँ पे देखना कितनी अच्छी साड़ी है, यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी साड़ी है। ये पिंक वाली भी एक अच्छी साड़ी है, ये वाली भी एक अच्छी है। ये देखो ये ना रेडीमेड साड़ी है, ये बेल्ट है, फिर ये रही साड़ी, ये पल्लू मस्त है, ये ब्लाउज, और ये रहा ब्लाउज। ऐसे रेडीमेड साड़ी अच्छी लगती है ना। इस बार तो सारी शॉपिंग चिकू बेबी के फंक्शन के लिए हो रही है, बट नेक्स्ट टाइम बिजनेस के लिए होगी और इससे भी तगड़ी शॉपिंग होगी। आप खाली हाउसवाइफ बनके क्यों बैठी हैं? जी मैं भी बिजनेस करने का स्टार्ट करूंगी अभी। हम सोच रहे हैं। अभी मैंने मना करूंगा। मैं बोलती मुझे बिजनेस करना है साड़ियों का। अच्छा बहुत अच्छी बात है। कैसे पूरे गट्ठे वाली साड़ी है, ये रेड वाली, इसमें सेम पिंक कलर की भी और भी बहुत सारे कलर। अब मम्मी ने शुरू कर दी है शॉपिंग, अब पता नहीं कहाँ तक जाके ये शॉपिंग रुकेगी। बाप रे अभी तक है ना 35,000 की शॉपिंग हो गई है। अभी तो करने दो और शॉपिंग करने दो, मम्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको कौन से सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे, कौन सा लेना है अपने को बताओ। ये इसमें से ही लेना है। हाँ तो कौन सा वाला फिक्स तो करो, एक बताती हूँ। मतलब सब देखना है, फिर उसके बाद में देखेंगे मम्मी कौन सा अच्छा लगता है। तो ये जितनी साड़ियाँ मम्मी ने निकाली है ना, ये सारी साड़ियाँ हम लेने वाले हैं। ये देखो कितनी सारी साड़ियाँ निकाली है मम्मी ने यहाँ से। ये सब लेने वाले उधर चल के दुकान लगाने वाले। यस उधर चल के हम दुकान लगाएंगे। हमारी दुकान से भी शॉपिंग करने आना। यस प्लीज हमारी दुकान से शॉपिंग करने आना। कितनी है ये, कितनी सारी है? अब आप सबको पता है अभी है ना 65,000 रुपीस की शॉपिंग हो गई है। इतनी सारी ये साड़ियाँ तुमको फंक्शन में लगने वाली है ना? यस फंक्शन में लगने वाली है ये सारी साड़ी, और अलग अलग डिजाइन की सारी साड़ी आई है। ये देखो व्हाइट में कितना अच्छा कलेक्शन है। यार मम्मी इतनी साड़ियाँ ले रही है, इसका बिल कितना बनेगा? 2,00,000। 2,00,000 पापा देख रहे हो? ना तो करने दे अभी, क्या है? हाँ ठीक है कर लो। आपने बोला ना शादी में साड़ी नहीं दिलवाई, तो अभी दिलवाओ। यस हाँ, तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ले ले चलेगा ये। वैसे बताना मम्मी ने ये जितनी भी साड़ियाँ चूज की अच्छी है ना, ये सारी अच्छी है। देखो क्या बोल रहे हो, इनमें से दोनों पिंक में से कौन सी वाली अच्छी? वो वाली पसंद आ रहा हूँ, ले ले। हाँ हर इसमें सुंदर ही लगोगे आप, वो वाली ज्यादा अच्छी है। बट ये
ये देखो मम्मी ने ना, और ये स्पेशल वाली जो साड़ी है ना ये भी निकाली, और ये सारी साड़ियाँ मम्मी ले रही है, वहाँ की तो है ही है लेकिन ये स्पेशल साड़ी है। वो पूरा टेबल भर के लिया तेरे माँ ने आज। यस, आपने बोला ना कि आप कुछ नहीं बोलोगे, तो अभी सही है ना, फिर लेने दो मम्मी को। मतलब हो गया अभी कम से कम 1.5-2 लाख का बिल। यस, 2 लाख का तो हो ही गया होगा या फिर उससे ऊपर। क्या हो गया? चल वहाँ बस हो गया, यहाँ से लेके चलो, नहीं तो मैं सारा ले लूंगी। आप ले लिया ना, ये देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरा टेबल ही ले लिया आपने। चलो आ जाओ, बिल देखते कितना होता है। अभी मैं आप सबको बता दूं कि अभी है ना 1 लाख रुपीस की शॉपिंग हो गई है। बाप रे, मैंने सोचा नहीं था कि हाँ मैंने एक साथ मतलब 1 लाख रुपए की शॉपिंग करेंगे। तो देखो मेरी मम्मी का है ना वहाँ साड़ी लेके मन नहीं भरा, मम्मी अभी है ना यहाँ पे बल्क में जो 10-10 साड़ियों का सेट होता है ना वो ले रही है, और मुझे तो लगता है मम्मी है ना यहाँ से एटलीस्ट 50-60 साड़ियाँ और लेने वाली है या इससे ज्यादा। ओह माय गॉड, कितनी साड़ियाँ लेनी है मम्मी। यार आप थक नहीं जाते इतनी सारी साड़ियाँ देख के? साड़ी देख के कौन थकता है, उल्टा ऐसे लग रहा है कि कितनी लूं। तेरे मम्मी ना उधर डायलॉग मार रही, भाई मैंने ना 2 लाख में ना 4 लाख का माल लाया। जो साड़ी 3-3, 4-4 हज़ार की थी ना, तो यहाँ पे बहुत सस्ती है। तो लेने दो ना फिर, अब पूरे जन्म की शॉपिंग आज ही कर ले। बाद में नहीं करनी शॉपिंग, डायरेक्ट नेक्स्ट जन्म करेंगे। नेक्स्ट जन्म तो होने वाला, इतना बड़ा फंक्शन, ग्रैंड फंक्शन, तो उसके लिए तो शॉपिंग चाहिए ना। बात तो सही है, अब बिल देखूंगा मैं बस। चलो चलो उधर चलो, अब देखने दो हमको साड़ियाँ। मम्मी ये सारी साड़ियाँ बांटने के लिए ले रही है, और हाँ चिकू बेबी के नाम से 101 साड़ियाँ मम्मी गरीबों में बांटने वाली है। अब मैं आप सबको बता दूं कितने की शॉपिंग हुई है, अभी कम से कम 1.5 लाख की शॉपिंग हुई है। कैसे होगा अभी मुझे नहीं पता, अभी और हमारी शॉपिंग करना बाकी। देखो मुझे ना ये वाला लहंगा अच्छा लग रहा है, एक सेकंड दिखाना। हाँ, और इसका है ना 4 का सेट है, मतलब अलग अलग कलर के 4 रही है। ये देखो ये लहंगे में है ना अलग अलग कलर है, ये पिंक वाला, ब्लू वाला, वो मेहंदी कलर, तो ये 4 ले रहे हैं हम। मैंने ऐसा एक लहंगा 10-10 हज़ार में लिया है, और यहाँ पे उसी एक लहंगे के प्राइस में 5 लहंगे आ जाते हैं, जस्ट इमेजिन। तो आप यहाँ पे जितने भी लहंगे देख रहे हो, मैं ये सारे बाय कर रही हूँ ताकि मुझे है ना 1 साल तक कोई भी फंक्शन में लहंगा बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार ये पर्पल वाला लहंगा देखो ना कितना अच्छा है। मुझे यहाँ पे अभी जितने भी लहंगे दिखाए ना, जैसे ये वाला भी हो गया, ये भी बहुत अच्छा लगा, ये पर्पल वाला भी अच्छा लग रहा है। देखो ये ऐसे लग रहा है लहंगा, लू के ना लू बताओ क्या करूँ, ये पर्पल कलर है ना मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है। और ये जो ये वाइट वाला, ये भी बहुत अच्छा है, ये रहा वाइट कलर का लहंगा, ये ऐसे लगेगा। देखो तो मैंने ना इतने सारे लहंगे लिए, फर्स्ट तो है ये ब्लू कलर का लहंगा, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और उसके बाद में ये पर्पल कलर का रहेगा, इसमें ना 4 कलर है, एक तो है ये मेहंदी कलर, फिर उसके बाद में है ये पिंक कलर, एंड उसके बाद में ये ब्लू कलर, ये 4 कलर हो गए। फिर उसके बाद में मैंने ये पर्पल कलर का हैवी लहंगा लिया है, और एक पर्पल कलर का मैंने ये वाला लहंगा लिया है। मुझे पर्पल कलर बहुत ज्यादा पसंद है। आप लोग बताओ आपको ये लहंगे कैसे लग रहे हैं, चलो देखते हैं अब कितना बिल होता है। तो अभी तक की 2 लाख की शॉपिंग हो गई है मम्मी। रुक जाना करने दे और शॉपिंग करो मम्मी, 2 लाख की शॉपिंग हो गई है। होने दे, फंक्शन एक ही बार होता है, तुम दोनों का नहीं हुआ तो चिकू का तो बड़ा होने दे। हाँ वो भी एक बात है, चिकू का बड़ा फंक्शन होगा। तो ये जो इतने 7 लहंगे मैंने लिए, ये अगर मैं ना अपने सिटी में लेती तो इसका बिल कम से कम 30-40 हज़ार बनता, लेकिन यहाँ पे इसका बिल बना है, आओ बताती हूँ, सिर्फ और सिर्फ 12 हज़ार। इसीलिए मैंने 7 लहंगे लिए। ये देखो तो ये ब्लू लहंगा भी पसंद आ गया है, तो अब 8 लहंगे हो गए। तो गाइस लगभग है ना 2.25 लाख की शॉपिंग हो गई है। अब क्या बोलूं मैं अभी। देखो यहाँ पे अभी हमारा बिलिंग हो रहा है, अब तक का कितना बिल हुआ है बताओ। 50,000। तो जब तक हमारा बिल बन रहा है, सर से थोड़ा बिजनेस सीखा जाए। YouTube से आपको कमाई होती है? जी होती है ना। आज 16 साल की उम्र में आप अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं, है ना।
अगर किसी को 25,000 रुपए या 50,000 रुपए, आजकल तो छोटी सी बात है 25-50,000 इतना तो मोबाइल ले लेते हैं लोग, पच्चीस पचास हजार रुपए लगा करके अगर आपको जिंदगी बदलने वाला बिजनेस करने को कहीं मिलता है तो मैं कहता हूँ ये मौका चुकना नहीं चाहिए, चाहे यूथ हो, चाहे बड़े हो, चाहे कोई भी, चाहे हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ। एक फैसिलिटी है किसी भी रिटेलर के लिए कि उसको उसी प्राइस में कपड़ा मिलता है जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को मिलता है। तो ये एक मैसेज आप लोगों के थ्रू यहाँ तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, मैम भी शुरू करती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो सकती है। हो सकता है कि अभी आप जो कपड़ा ले जा रहे हैं वो आप बाई हैंड लेके चले जाएंगे यूज के लिए लेना, आप कहीं भी हो कपड़ा आपके यहाँ तक पहुंचाया जाएगा और बहुत नॉमिनल भाड़ा होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन रास्ते की पूरी जवाबदारी हमारी रहती है। आप एक्सीडेंट हुआ, पार्सल आपका चोरी हो गया, आप तक पहुँचाएंगे या तो हम आपका पैसा वापस देंगे नहीं तो आपको दूसरा माल भेजेंगे। तो मतलब सर हम ना बहुत टाइम से सोच रहे हैं ऐसा कि कुछ ऐसे बिजनेस करने का मम्मी और मैं, तो ये साड़ी वाला बिजनेस एकदम सही रहेगा और सर ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो मम्मी करते हैं फिर हम भी ऐसे बिजनेस। जी बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं और पापा नहीं रोकेंगे हमको। तुम बिजनेस कर दूंगा तो क्यों रोकूंगा। हाँ। सही बात है बिल्कुल। किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं है महिला, हमसे जेंट्स से एक कदम आगे है सर। एक दिन घर संभालने के लिए आपको मेरे को बोल देंगे ना तो हाथ पांव फूल जाएंगे, अपने अपने से नहीं संभलेगा। अब तक का कितना बिल हुआ है? बाप रे मम्मी देखो कितना बिल हो गया। अब पापा को दिखाएंगे तो क्या बोलेंगे पापा इतना बिल देख के? पापा सूरज छोड़ के भाग जाएंगे। सूरज छोड़ के कितना हो गया बिल? कितना है वो? कितना है क्या? कितना है? हो गया, अभी क्या कर सकते हैं? बस इतना ही? थोड़ा और 2-4 लाख और कर लेना चाहिए था। सच में? हाँ? चलो ऊपर चलते। चलो बना इधर अभी तुमसे मैं बात करता जा रहा। क्या बात करते आओ? तुमका मैं बोला कि साड़ी वीडियो लो, तुमने ऐसा शॉपिंग कर ली थी भयानक। तो क्या हो गया? बाहर लेते तो वही 5-6 लाख का जाता था। हाँ। यहाँ पे इतना सस्ता मिला। हाँ ना, इतना मस्त मिला है। 2 लाख कितने हो गए थे? 2,77,000। हाँ तो बाहर अगर हम इतनी चीजें लेते तो वो 6 लाख की हो जाती, तब चलता आपको 6 लाख का बिल? 10,500 की आती बाहर। हाँ। सस्ती है। कितना अच्छा है, अगर आप अजमेरा फैशन आना चाहते हो तो आ जाओ और यहाँ शॉपिंग करो। हाँ ना, चले बड़े पापा। शादियों में तो बहुत अच्छी वैरायटी। यस, शादियों में तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ, लहंगे इतने मस्त मस्त है यार। इतना कंफ्यूज हो रहा था कौन सा वाला ले और कौन सा ना ले। अब तो क्या तुमने क्या शादी की शॉपिंग की? लेकिन चिकू का नामकरण शादी होने वाली है। शादी से बड़ा करेंगे हम नामकरण, सारी कसर उतार देंगे। हर महीने एक फंक्शन करेंगे बड़ा बड़ा। यस यस, अभी हम अजमेरा फैशन ही आया करेंगे शॉपिंग करने। कुछ नहीं, मैं बोला जान दो, ले लिए, खरीद लिए जो शॉपिंग मुझे ना तेरे को कराना चाहिए थी शादी के टाइम पे। तब मैं तेरे को क्या ला के दिया था? एक हल्दी वाली एक साड़ी और एक बहुत हो गया शादी में जो उसने साड़ी पहनी 2,000 रुपये की एक साड़ी, और मैंने पहनी थी शेरवानी 1,500 रुपये की। जो शॉपिंग मैंने इसको शादी के टाइम पर करानी चाहिए थी तो वो नहीं करा पाया, और उसको देखो वो शॉपिंग कराने के लिए शादी के बाद मुझे ना आज कितने 17-18 साल लग गए। आपकी फिर से शादी करा देंगे हम। एक बिजनेस वुमन बने, एक्टर बने, हमारी तो यही दुआ है। और आप लोगों के साथ बैठ के मुझे बात करके बहुत अपने आप को मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक ऐसे माँ बाप इतनी सी छोटी सी उम्र के अंदर इसने इस मुकाम पे आपके नाम को पहुंचाया है। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात ये कोई नहीं होती है कि उसके बच्चों के नाम से उनकी पहचान बने। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। वेलकम। अरे अरे बच्चा क्या कर रही है, मेरे को आशीर्वाद दे हो आप। बच्चियाँ पैर नहीं छूती है कभी भी। आप अपना आशीर्वाद तो दे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ।
मुझे ऐसा लगा एक फैमिली के साथ बैठा हुआ हूँ। और हमें भी सर से बहुत कुछ सीखने मिला। थैंक यू वेरी मच। चिकू बेबी के नामकरण का फंक्शन होने वाला है बड़ा धूमधाम से। तो कैसी लगी आपको आज की बिगेस्ट शॉपिंग जो सिर्फ मम्मी के लिए की गई थी? तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर और बिगेस्ट शॉपिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। हो गया, हो गया, कभी नहीं मारा जा रहा।